केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना 50वां जन्म दिवस मना रहे हैं। समीरपुर स्थित आवास पर अनुराग ने पिता पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने दिन की शुरुआत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं व भारी संख्या में लोगों ने समीरपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। दूरदराज क्षेत्रों से लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। जन्मदिन पर बधाई देने वालों का उन्होंने तहे दिल से आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ बीजेपी ने काम किया, तभी 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए। सर महुआ के इसमें क्या कहेंगे? जो राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और ऐसी जानकारियां जो संसद से जुड़ी हों या फिर जिसके कारण किसी भी तरह का संकट खड़ा हो सकता हो, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू के साथ साथ भ्रष्टाचार का इशू भी है। और जैसा कि आपको पता है, जांच चल रही है। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई भी हो और जांच भी जल्द पूरी हो। और आप पढ़ रहे हैं, क्या संदेश देंगे आज देश को और प्रदेश को? मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी है और अपना आशीर्वाद भी दिया है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जी से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और अन्य राजनीतिक दलों से भी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन करके बधाई दी है। मैं सबका और विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का और अपनी संसदीय क्षेत्र के सभी माताओं, बहनों और भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने आशीर्वाद दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका ये आशीर्वाद से मैं उनकी उम्मीदों पर